हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम TVS की और स्प्लेंडर प्लस की 100cc की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स का रिव्यू करने वाले हैं और हम इन्हें इंडिया की बेस्ट माइलेज बाइक्स भी हम कह सकते हैं। दोनों में ही आपको 100cc का इंजन देखने को मिल जाता है, बढ़िया आपको लुकिंग देखने को मिल जाती है और दोनों ही 100cc में कंप्यूटर सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया टाइम से दोनों है। दोस्तों, मैं जो बाइकें होने वाली है, एक बाइक का नाम है हीरो स्प्लेंडर प्लस, एक बाइक का नाम है TVS स्पोर्ट ELS। दोनों के ही दोस्तों आपको सामने टॉप क्लास वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम दोनों का डिटेल रिव्यू करेंगे, आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या कमी है और क्या खूबियाँ हैं और आप ये भी फिर डिसाइड कर पाओगे कि आपको आखिरकार दोनों में से कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन दोनों बाइक्स का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं सिंगल सिंगल में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा दोनों का ही, आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो को हम इधर ही शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक कर लें। अब इस वीडियो को हम इधर ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम लुक्स की बात करें, दोनों ही आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिल जाती है। अगर आप देखोगे आप स्प्लेंडर प्लस को, थोड़ी सी आपको ये पतली और स्टाइलिश देखने में लगेगी और जो TVS स्पोर्ट है वो भी काफ़ी स्पोर्टी देखने को लगती है आपको, काफ़ी इसमें थोड़ा हैवी डिज़ाइन देखने को लगता है बाहर से, पर ये उतनी हैवी है नहीं है। दोनों ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया बाइक्स है। फ्रंट साइड से आप देखोगे दोनों में आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको दोनों में ही स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। स्प्लेंडर प्लस में आपको देखेंगे साइड्स में काफ़ी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको ग्राफिक्स आपको TVS स्पोर्ट में भी देखने को मिलेंगे फ्रंट साइड में ग्राफिक्स, जो आपको काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं। मडगार्ड दोनों का ही आपको क्लीन देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा फ्रंट में। और अगर हम साइड मिरर्स की बात करें, दोनों में ही आपको नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ खास आपको साइड मिरर्स देखने को नहीं मिलेंगे। साइड से अगर हम बात करें, तो साइड से आपको देखोगे आपको स्प्लेंडर प्लस में काफ़ी बोल्ड लुकिंग और पहले इसके जो आया करते थे ग्राफिक, उससे काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेंगे। TVS स्पोर्ट में भी आपको काफ़ी अच्छे खासे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। टैंक भी आपको दोनों की काफ़ी देखने में बढ़िया लगती है। स्प्लेंडर प्लस की एकदम आपको राउंडेड देखने को मिलेंगी, TVS स्पोर्ट की थोड़ी सी आपको थाइज रखने के लिए भी जगह देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप देखेंगे और साइड में आपको दोनों में ही एक साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा और दोनों में ही नॉन फ्लेक्सिबल आपको साइड फुटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे पिलियन एंड बोथ राइडर के लिए। और दोस्तों, अगर हम बात करें बैक साइड से लुकिंग की, बैक साइड में आपको स्प्लेंडर प्लस में स्टील का आपको पिलियन ग्रैब रिल देखने को मिलेगा और आपको TVS स्पोर्ट में आपको सिंपल सा एक देखने को मिलेगा, वो भी आपको प्लास्टिक का ऊपर कवरिंग देखने को मिल जाएगी। ये तो बात हुई दोस्तों इसकी बैक साइड से लुकिंग की। और आपको दोनों में ही नॉर्मल इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे एंड दोनों में ही नॉर्मल आपको बैक वाली टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। और हम देखेंगे मडगार्ड भी दोनों का आपको काफ़ी सिंपल देखने को मिल जाएगा और एक एक लाइट रिफ्लेक्टर भी आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, दोनों में ही आपको एनालॉग देखने को मिलेंगे, दोनों में ही आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएंगे एंड आपको डिस्टेंस इंडिकेटर देखने को मिलेगा, न्यूट्रल आइकन, साइड इंडिकेटर आइकन और आपको TVS स्पोर्ट में इको मोड एंड पावर मोड भी देखने को मिलता है। वहीं आपको स्प्लेंडर प्लस में i3S मोड देखने को मिल जाता है और एक स्टैंड इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलेगा स्प्लेंडर प्लस में। टायर्स की अगर हम लुकिंग की बात करें, दोनों में ही आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों के ही आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे। सीट की अगर हम क्वालिटी की बात करें, सीट की क्वालिटी भी दोनों काफ़ी अच्छी खासी कंपनी ऑफर करती है आपको। TVS स्पोर्ट में कुछ ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है, उसमें आपको स्टिचिंग भी साथ में देखने को मिलती है जिससे वो लेदर फिनिशिंग कुछ दे देता है और काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है। स्प्लेंडर प्लस की भी काफ़ी सॉफ्टनेस काफ़ी अच्छी खासी है, पर स्टिचिंग देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी आपको क्वालिटी लो ग्रेड देखने को मिलेगी स्प्लेंडर प्लस की, उधर TVS स्पोर्ट की थोड़ी हाई ग्रेड देखने को लगती है। अगर हम एग्जॉस्ट की लुकिंग की बात करें, तो आपको TVS स्पोर्ट में काफ़ी थोड़ा बड़ा सा देखने को लगेगा, स्प्लेंडर प्लस में काफ़ी बोल्ड लुकिंग वाला आपको देखने को मिलेगा, एकदम स्लीक सा देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको क्रोम की आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है आपको स्टाइलिंग और बढ़ाने के लिए। एंड आप देख सकते हैं इंजन की लुकिंग दोनों की अपनी अपनी जगह पर काफ़ी ठीक है। स्प्लेंडर प्लस का आपको सिल्वर कलर में इंजन देखने को मिलता है एंड आपको TVS स्पोर्ट का ब्लैक कलर में इंजन देखने को मिल जाता है। एंड आप देखेंगे आपको काफ़ी बढ़िया दोनों में ओवरऑल लुकिंग है, आपको हम लुकिंग के मामले में सब कुछ बता चुके हैं, तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में।
डिटेल्स की दोस्तों अगर हम बात करें, हम सबसे पहले बात करेंगे इंजन की। इंजन की बात करें तो आपको दोस्तों स्प्लेंडर प्लस में सिंगल स्प्लेंडर फोर स्ट्रोक OHC इंजन देखने को मिलेगा, वहीं आपको TVS स्पोर्ट में फोर स्ट्रोक ड्यूरालाइफ इंजन देखने को मिलेगा। इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें स्प्लेंडर प्लस में 97.2 cc की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, उधर आपको TVS स्पोर्ट में 99.7 cc की। पावर की बात करें तो आपको 8.36 PS की पावर जनरेट करता है 8000 RPM पे स्प्लेंडर प्लस, और TVS स्पोर्ट जनरेट करता है 7.4 PS की पावर 7500 RPM पर। टॉर्क की बात करें तो 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है 5000 RPM पर स्प्लेंडर प्लस, एंड 7.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है 55000 RPM पर TVS स्पोर्ट। अगर हम दोस्तों वॉल्स की बात करें, दोनों में ही आपको दो दो वॉल्स देखने को मिल जाएंगे, टू वॉल्स पर सिलेंडर है इसमें, और आपको कार्बोरेटर के थ्रू दोनों की फ्यूल डिलीवरी देखने को मिलेगी। अगर हम दोस्तों गियर्स की बात करें तो फोर स्पीड ट्रांसमिशन आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे खासे वर्क करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टार्टिंग मेथड की तरफ। स्टार्टिंग मेथड दोनों में ही आपको किक एंड सेल्फ देखने को मिल जाएगी। ब्रेकिंग की बात करें तो आपको ब्रेकिंग के मामले में दोनों में ही आपको फ्रंट एंड रेयर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जो अच्छे खासे वर्क करते हैं। पर आपको दोनों में ही आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। आपको स्प्लेंडर प्लस में IBS टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसकी फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और आपको TVS स्पोर्ट में SBT टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो अपनी अपनी जगह पर दोनों काफ़ी अच्छे खासी वर्क करती है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें सस्पेंशंस की, सस्पेंशंस के मामले में भी दोनों काफ़ी अच्छे खासे हैं। स्प्लेंडर प्लस में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, TVS स्पोर्ट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स वहाँ भी देखने को मिलते हैं। अगर हम रेयर सस्पेंशंस की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस में स्विंग आर्म विद हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, एंड TVS स्पोर्ट में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। तो अपनी अपनी जगह पर दोनों काफ़ी बढ़िया है। मैं स्प्लेंडर प्लस यूज़र हूँ, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगे। टायर्स एंड अगर व्हील्स की बात करें तो आपको दोनों में ही दोस्तों अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो आपको स्प्लेंडर प्लस का जो फ्रंट टायर है वो 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है विद ट्यूबलेस एंड विद अलॉय व्हील्स। TVS स्पोर्ट के फ्रंट टायर की बात करें तो 17 इंच का देखने को मिलेगा विद ट्यूबलेस एंड अलॉय व्हील्स। रेयर टायर्स एंड व्हील्स की बात करें तो वो भी आपको दोनों में स्प्लेंडर प्लस के रेयर में 18 इंच का देखने को मिलेगा विद ट्यूबलेस एंड अलॉय व्हील्स, एंड आपको TVS स्पोर्ट में रेयर वाला 17 इंचेस का विद ट्यूबलेस टायर एंड अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों के, आपको TVS स्पोर्ट में एक लोएस्ट वर्जन मिलता है जिसमें आपको स्पोक्स व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं। डायमेंशंस की बात करें, अगर हम लेंथ की, स्प्लेंडर प्लस में 2000 mm की लेंथ मिल जाएगी, और उधर TVS स्पोर्ट में 1950 mm की लेंथ देखने को मिलेगी। विड्थ की बात करें तो 720 mm की आपको स्प्लेंडर प्लस में देखने को मिलेगी, एंड 705 mm की आपको TVS स्पोर्ट में देखने को मिल जाएगी। हाइट की बात करें, 1040 mm की हाइट आपको स्प्लेंडर प्लस में दिखेगी, 1080 mm की TVS स्पोर्ट में दिख जाएगी। व्हील बेस की बात करें तो आपको 1230 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है स्प्लेंडर प्लस में, एंड आपको 1236 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है TVS स्पोर्ट में। 159 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्प्लेंडर प्लस में देखने को मिलेगी, एंड 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस TVS स्पोर्ट में। सीट हाइट की बात करें तो 785 mm की आपको स्प्लेंडर प्लस में सीट हाइट देखने को मिल जाती है, एंड 790 mm की TVS स्पोर्ट में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10.5 लीटर की आपको फ्यूल टैंक आपको स्प्लेंडर प्लस में देखने को मिलती है, एंड 10 लीटर की आपको TVS स्पोर्ट में। वेट की बात करें तो 109 kg आपको देखने को मिलेगा स्प्लेंडर प्लस का वेट, 108.5 kg आपको देखने को मिलेगा TVS स्पोर्ट। ये तो बात हुई इसके ओवरऑल सभी हर चीज़ के कंपैरिजन की। अब हम लास्ट चीज़ पर बढ़ते हैं, वो है इसकी प्राइसिंग। स्प्लेंडर प्लस की अगर हम लोएस्ट वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें वो है 50,110 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइसिंग इन दिल्ली। TVS स्पोर्ट की अगर हम लोएस्ट वर्जन की बात करें वो है 37,808। प्राइस का काफ़ी ज़्यादा अंतर है दोस्तों, लगभग आपको 12,000 से 13,000 रुपये का प्राइसिंग का अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही अपनी जगह पर काफ़ी बढ़िया है, ये आपके ऊपर है आपको कौन सी खरीदनी है।
आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।